हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स गुरु। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ 5 नए नोटिफिकेशंस। आप में से जो भी स्टूडेंट्स जून 2021 टॉम एड एग्जामिनेशंस के लिए अपियर करेंगे, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये नोटिफिकेशन जानना बहुत ही ज़रूरी है। सो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। आप अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल पाए। दोस्तों, डायरेक्टली चलते हैं आपके नोटिफिकेशंस पे। सबसे पहले बात करेंगे आपके जून 2021 टॉम एंड एग्जामिनेशंस के लिए इग्नू की तरफ से जो एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ किया गया था उसकी लास्ट डेट के बारे में। आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप नहीं किया। आपके एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए 15 जून की लास्ट डेट दी गई है। हो सकता है कि इसके बाद में एक बार लास्ट डेट को एक वीक के लिए एक्सटेंड किया जाए, लेकिन दोस्तों उस टाइम पे आपको लेट फीस भी पेमेंट करना पड़ सकता है, इसलिए आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म अभी फ़िलअप कर दीजिए। अगर आपके पास में कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जिसे आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर पाएँ, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना एग्जामिनेशन फॉर्म मुझसे फ़िलअप करवा सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है आपके री रजिस्ट्रेशन के लिए। आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ये कहना है कि हमने अभी तक अपने एग्ज़ाम नहीं दिए, या फिर हमने अभी तक उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को या फर्स्ट ईयर को या सेकेंड ईयर को पास नहीं किया है, तो हम अगली क्लास के लिए री रजिस्ट्रेशन क्यों करवाए। दोस्तों, अगर आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर नहीं करते हैं, या अपने एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो जाते हैं, या आप अपने असाइनमेंट जमा नहीं करवा पाते, या अपने असाइनमेंट्स में फ़ेल हो जाते हैं, तब भी आप अपनी अगली क्लास के लिए री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और आपके री रजिस्ट्रेशन के लिए 15 जून की लास्ट डेट दी गई है, इसको एक बार बिना किसी लेट फीस के एक्सटेंड कर दिया जाएगा। दोस्तों, अभी इसके बाद में जो एक नोटिफिकेशन इग्नू की तरफ से लेटेस्ट रिलीज़ किया गया था उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये नोटिफिकेशन है आपके असाइनमेंट सबमिशन से रिलेटेड, आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, इंटर्नशिप, फील्डवर्क जर्नल्स, डिसर्टेशंस, इन सभी के सबमिशन से रिलेटेड। आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए 31 मई की जो लास्ट डेट दी गई थी उसे अभी फिर से एक्सटेंड करके 15 जून तक कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, 15 जून के लिए अभी ओनली एक वीक बाकी है, और आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक अपने असाइनमेंट्स जमा नहीं करवाए। अगर आपको अपने असाइनमेंट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, तो आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके अपने असाइनमेंट्स के लिए सॉल्यूशन पीडीएफ मुझसे परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, अभी जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो रघुनाथगंज रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं। अगर आपने अपने असाइनमेंट गूगल फॉर्म के जरिए जमा किए थे, तो रघुनाथगंज रीजनल सेंटर की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है जिन भी स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिए गए। सो आप इस लिस्ट को डाउनलोड करके और अपना इनरोलमेंट नंबर इसमें चेक कर सकते हैं। इसके बाद में दरभंगा रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स के लिए, अगर आपने अपने असाइनमेंट गूगल फॉर्म के जरिए 2 जून तक जमा करवाए थे, तो आपके सबमिशन लिस्ट को भी दरभंगा रीजनल सेंटर की तरफ से रिलीज कर दिया गया। सो आप इस लिस्ट को डाउनलोड करके और अपने इनरोलमेंट नंबर चेक कर सकते हैं। अगर आपने अपने असाइनमेंट 2 जून से पहले जमा किए थे और आपका नाम इस लिस्ट में नहीं दिया गया, तो आप अपने असाइनमेंट एक बार फिर से जमा करवा सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद में देहरादून रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स के लिए, देहरादून रीजनल सेंटर की तरफ से भी असाइनमेंट सबमिशन की एक लिस्ट जारी कर दी गई है जिन भी स्टूडेंट्स ने अपने असाइनमेंट्स ऑनलाइन गूगल फॉर्म के जरिए जमा किए थे। इस लिस्ट को भी 2 जून तक अपडेट करके यहाँ पे रिलीज कर दिया गया। सो आप भी अपना इनरोलमेंट नंबर इसमें चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली दोस्तों, रघुनाथगंज, दरभंगा और देहरादून 3 ऐसे रीजनल सेंटर्स हैं जिनकी तरफ से असाइनमेंट सबमिशन की लिस्ट जारी कर दी गई है। इसके बाद में दोस्तों, कोलकाता रीजनल सेंटर की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अभी जून 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशंस के लिए अपने असाइनमेंट्स ऑनलाइन जमा करवा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप अपने असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर्स पे जमा करवा चुके हैं, तो आपको फिर से गूगल फॉर्म के जरिए जमा करने की ज़रूरत नहीं है। कोलकाता रीजनल सेंटर की तरफ से यहाँ पर 2 लिंक दिए गए हैं, आपको दोनों में से किसी भी एक ही लिंक पर अपने असाइनमेंट जमा करवाने हैं, दोनों पर अपने असाइनमेंट जमा नहीं करवाने। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। आप अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग टिप्स गुरु।